बधाई हो इमरान खान, बधाई हो। ऊपर वाले की कृपा से आपका सब काम हो रहा है। चाहे चीखती रहे दुनिया, चीखता रहे सारा संसार, हम ना आज तक सुधरे हैं और कोई हमें सुधार भी नहीं सकेगा। आप क्या समझ रहे हैं, हम इमरान खान की खिदमत में कसीदे पढ़ रहे हैं? नहीं, ये तो एक भाव है जो पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान के दिल के भीतर उबल रहे हैं। बस हम तो आप तक पहुंचा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान बेशर्म है। एफएटीएफ की फटकार, यूएन की डांट इमरान के कानों में नहीं गूंजती, गूंजेगी भी कैसे? मदद के लिए चीन है, संयुक्त अरब अमीरात है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है। लो, अब तो इस लाइन में कतर भी आ गया है। जी हाँ, कतर ने भी $3 अरब की आर्थिक मदद की है। पाकिस्तान के दौरे पर आए कतर के शेख तमीम बिन हमद ने पाकिस्तान को यह सहायता राशि दी और व्यापार को बढ़ाने देने, काले धन पर रोक लगाने और आतंकी फंडिंग को रोकने में मदद करने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि पिछले 11 महीने में कतर चौथा देश है जिसने पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबारने के लिए उसकी मदद की है। इससे पहले चीन ने पाकिस्तान को $4.6 अरब, सऊदी अरब ने $3 अरब के अलावा $3.2 अरब के तेल की खरीद का भुगतान देर से करने की छूट दी है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने $2 अरब दिए। असल में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की दुनिया भर में थूथू हो रही है। हिंदुस्तान ने भी आतंकियों पर कार्रवाई करने को लेकर पाकिस्तान को चेता चुका है और यही वजह है कि पाकिस्तान पाई पाई के लिए तरस रहा है और भीख मांगने को मजबूर है।